हाय गाइस, कैसे हो आप सब? और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि कल से मैं इंशाल्लाह रेगुलर अपडेट रहूँ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एंड वेलकम टू जैक्सर ब्लॉग्स। तो गाइस, देखा आपको, आपने देखा ईद का दो चांद निकला इस बार, है ना? एक कल निकला था, एक आज निकल गया रहा। इतनी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी टीम 07 के ऊपर, तो मैं वो वीडियो बन के क्रॉस कर गई, तो मैं आज दोबारा एक और वीडियो बना रहा हूँ उन्हीं के ऊपर। तो उन्हीं के बनी मतलब मिस्टर फैसू के ऊपर। तो देखो, लग रहा है ना मैं नहावा के बैठा हूँ, नहावा के नहीं बैठा, ऐसी बैठ गया, ऐसी बैठ गया। तो गाइस, आज बात करते हैं मिस्टर फैसू के बारे में। अभी अभी फ़िलहाल मैं, देखो सही बताऊँ तो मैं बैठा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था मैं फ़ोन में घुसा रहता हूँ, मैं ऐसे ही फ़ोन में घुसा हुआ था। पूरा दिन हो गया मुझे उस घुसे 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 घुसे। फिर शाम में मैंने टिकटॉक बनाई। टिकटॉक बनाने के बाद फिर मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, मैंने जैसे इंस्टाग्राम खोला अपना, एकदम मिस्टर फैसू की वीडियो आ गई थी। मैंने एकदम वो वीडियो पर क्लिक किया, फिर उसकी साउंड नहीं, फिर मैंने वो वीडियो देखी, तब मतलब 126वां व्यूअर मैं ही था, मतलब 126 लोगों के बाद 127वां व्यूअर मैं था। तो मैंने वो वीडियो देखी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि सब बढ़िया है, एकदम मैं ठीक हूँ, मैं वापस आऊँगा, मतलब रेगुलर अपडेट रहूँगा कल से। आज थोड़े उनको काम वाम होगा, और वो टिकटॉक पे अभी उनका अकाउंट नहीं खुला, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं टिकटॉक पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक्टिव आऊँगा आप लोग। और वो बोल रहे थे कि आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं इतनी जल्दी, मतलब मेरा काम पूरा हो गया। और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि वो जेल में, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जेल में नहीं है, वो लंदन में है। वो गए थे लंदन, उनको वो बता रहे थे कि 20 मिलियन उनके 20 मिलियन उनके टिकटॉक पे फैंस हो गए थे। तो उनकी किसी कंपनी ने उन्हें मतलब बोला था कि आप वहाँ जाइए, विज़िट करिए लंदन। तो वो वहाँ लंदन गए थे, और इसी बीच उनको कोई पैकेज मिल गया होगा कि मैच में जाने का। तो वो बता रहे थे कि मैच भी उसी के, मतलब इंडिया का जो मैच हुआ था उसी साइड हुआ था कुछ, तो वो मैच भी देखने गए थे, लेकिन वो मैच हार गए। तो वो बता रहे थे कि मैं मेन जो आया था वो मैच देखने की वजह से आया था। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सबको पता ही है अभी क्या हो रहा है, और आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ हूँ। फिलहाल मैं लंदन में हूँ, मैं यूके आया था सेमीफाइनल्स में इंडिया को सपोर्ट करने, पर अफसोस इंडिया हार गई। तो मैं सोचा मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ, तो मैं लंदन में रुक गया। और गाइस, मेरा प्लान बहुत पहले से था आने का, क्योंकि जब मेरे टिकटॉक पे 20 मिलियन कम्प्लीट हुए थे तब मेरी कंपनी ने मुझे ये ट्रिप गिफ्ट की थी। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि कल से मैं इंशाल्लाह रेगुलर अपडेट रहूँगा इंस्टाग्राम पे। टिकटॉक पे नहीं रह पाऊँगा, इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी बहुत जल्दी रेगुलर अपडेट रहूँगा। और कितना प्यार करते हो आप लोग, कितना प्यार करते हो गाइज आप लोग, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग ने इतना सपोर्ट किया टीम 07 को, इतना इतना प्यार दिया। हम लोग ने कभी हम लोग की लाइफ में नहीं सोचा था कि हम लोगों को इतना सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का ऐसी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एवरी वन, लव यू ऑल, थैंक यू। तो बस आपको यही खबर देनी थी, और कुछ नहीं, बस मेरा काम हो जाता। मैंने इसलिए वीडियो बनाई आज, क्योंकि मतलब मेरी वीडियो जो थी वो कल वाली एकदम अच्छे खासे व्यूज आ गए, और इस वाली पे भी आप मतलब व्यूज आ गए। लाइक भी कर देना, लाइक पिछली वाली वीडियो पर लाइक नहीं हुआ था, इस बार वीडियो पर लाइक कर देना। देख रहे हो भाई, गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, पंखा भी बंद है, दूसरे रूम में गेट बंद कर रखा है एकदम फुल। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब एडिट करूँगा। ये वीडियो सिर्फ एक छोटा सा अपडेट है, मतलब ये कोई व्लॉग नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा अपडेट है मिस्टर फैसू के बारे में, जो कि मैंने अब दे दिया आपको। सो गाइस, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, उनका कोई ये इंटेंशन नहीं था कि वो मतलब किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आतंकवादी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे उन्होंने एजाज भाई ने बताया था कि ऐसे तो अजय देवगन और ऋतिक रोशन ये सब रोल करते हैं मूवी में उसका आतंकवादी का, तो वो आतंकवादी थोड़ा ना होगा। ये भी इन्होंने भी आतंकवादी का मतलब आतंकवादी को प्रमो, ये तो जबकि ऐसी नॉर्मल इंसान की तरह उसको रिम्यूज करा है म्यूज़िक को, मतलब वॉइस को, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप उनके मतलब आप उनको पसंद करते थे या पीछे हट गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जो बंदा 24 मिलियन फैंस लेके बैठा है, मतलब कुछ तो बात होगी उसके अंदर जो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा आगे बढ़ गया। मैं अपने चैनल पर, मेरे 400 सब्सक्राइबर हो गए, तो मुझे 400 लोगों ने ऐसे ही थोड़ा सब्सक्राइब किया होगा, कुछ तो बात देखी होगी मेरे अंदर, जब भी तो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, वरना ऐसे कौन सब्सक्राइब कर देगा ज़बरदस्ती। और बस यही बात कहनी थी मुझे आपसे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई उनको भी, मतलब
इतनी आगे जाएंगे हम, अल्लाह करे और आगे जाए वो, और तरक्की करे, इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और इसी तरीके आप मुझे भी सपोर्ट करते रहिए भाई, बस आप लोगों की जो है, आप लोगों की वैसे ही हैं, मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। देखिए मैं जैसे ही उनकी वीडियो आई ना, मैं सबसे पहले सोचा, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आया, मैंने सबसे पहले ये देखा यार वीडियो, मैंने देखा यार कल ही तो वीडियो डाली, फिर मैंने सोचा कल ही डाली तो यार आज का डालूँ फिर मतलब ये हो जाएगा, फिर मैंने सोचा कौन सा मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, फिर मैंने तभी अभी बिल्कुल जस्ट अभी शर्ट चेंज करी, वीडियो बनाने बैठ गया और जस्ट बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना, इतनी खुशी हुई भाई की वीडियो देख के। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ भाई उनको, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मैं एकदम है ना, कुछ भी हो जाए मैं उन्हीं के साथ रहूँगा और उसमें मतलब कोई टेंशन नहीं है मुझे। और आप भी उनको ऐसी सपोर्ट करते रहिए बस, मतलब उनकी टीम को, उनको नहीं मतलब जो जो मतलब मैं उनकी बात नहीं बता रहा, मैं जो मतलब इंडिया में जो जो भी आपको सही लगते हैं उनको आप सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, और मतलब और उनके नीचे कमेंट करिए कि आप और बहुत मतलब उनको मोटिवेशन होती है जब आपको, जब कोई वीडियो के नीचे कमेंट करता है ना, जैसे मुझे भी वीडियो में कोई नीचे कमेंट करता है कि भाई वीडियो अच्छी थी, तो भाई अलग ही खुशी होती है कि हाँ भाई बंदे को वीडियो अच्छी लगी तो इसलिए बंदे ने कमेंट किया। अगर आप उनके वीडियो के नीचे भी करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि रिप्लाई आना ज़रूरी होता, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कमेंट करते हैं तो रिप्लाई नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मतलब अब उनकी भी चल, उनको तो यही बात है कि वो बहुत बड़े यूज़र हैं तो उनको क्या कहाँ सबके सब वो रिप्लाई करेंगे। अगर आप देखिए आपको जो भी वीडियो किसी की भी पसंद आए आप कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि इंसान को मोटिवेशन होती है हाँ कि भाई मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं और मुझे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरी तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आई हो तो कोई बात नहीं भाई, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, और बाकी सब बढ़िया एकदम बेहतरीन। बस अब मैं वीडियो एडिट करूँगा और लग जाऊँगा काम पे इंशाल्लाह। क्या टाइम हो रहा है अभी, हो रहा है 9:45 हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा रात 11-12 बजे तक एडिट करने की, और मुझे थंबनेल भी बनाना है, और इंशाल्लाह 1 या 12 बजे तक मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे। और ये आज की वीडियो है जो आप आज ही देखेंगे, वरना जो कल देख रहा है वो देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब मैं खाना खा के बस एडिटिंग पे बैठ जाऊँगा, एडिटिंग पे ही लगा रहूँगा, थोड़ी बहुत देर में हो जाएगी क्योंकि ये इतनी वैसी वीडियो नहीं है, हो जाएगी तो इसमें कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं करना है। बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप ये भी नहीं है कि हाँ कोई बंदा गलत करता जा रहा है तो उसको सपोर्ट करते रहो, मतलब जो बंदा सही कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना बनता है। जैसे मिस्टर फैसू एकदम सही बात, मतलब मुझे तो उनकी बात कोई गलत लगी नहीं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पॉजिटिव वे से देखेगा उसको वीडियो अच्छी लगेगी, तो जो नेगेटिव वे से देखेगा उसको वो वीडियो बुरी लगेगी। अब मैं भी नेगेटिव वे से देखूंगा तो हाँ एक बात उसमें हाँ उनके अंदर ये है कि हाँ उसको उन्होंने इतनी वैसी वीडियो को आगे बढ़ाया थोड़ा, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है यार, इंसान से ही गलती होती है, इंसान अपनी गलती सुधारेगा नहीं तो कौन सुधारेगा अब, इसलिए है ना प्लीज़, अब गलती हो गई क्या करें, अब छोड़ो उनको और क्या। तो बस मेरा आपसे यही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको बहुत जल्द लगेगी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, ये मैं कह तो रहा हूँ लेकिन कुछ करूँगा नहीं है वीडियो में, पता नहीं अब कब आएगी वीडियो, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, कभी भी आ जाती है मेरी, कोई टाइम नहीं होता। तो मिलते हैं अभी सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, दिल आपका बड़ा है, बिल अपन छोटा है, दुआ में याद रखना, चलो अपन चलता है, बाय, टेक केयर।